आदमी अपने आप से भाग सकता है, अपनी किस्मत से नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा नशा रिस्क। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड स्टूडियोज। दोस्तों, बॉलीवुड के खिलाड़ी मतलब अक्षय कुमार के लिए साल 2022 पैंडेमिक से कम नहीं था। बच्चन पांडे के बाद से अखी पर ऐसा ग्रहण लगा कि बैक टू बैक जितनी फिल्में भी रिलीज हुई पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। खिलाड़ी दर्शकों का दिल जीत ना सका, मगर 2022 अभी भी बाकी है और अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्में भी रिलीज होना बाकी है। देखा जाए तो इन 9 महीनों में अक्षय कुमार की कई फिल्में फ्लॉप हुई हैं, जैसे कि बच्चन पांडे जो कि ऑलरेडी रिमेक थी, पृथ्वीराज जो कि सम्राट पृथ्वीराज की एक बायोग्राफी थी, रक्षाबंधन जिसमें दिखाया गया कि एक भाई के ऊपर चार बहनों की जिम्मेदारी कैसी होती है और इसे डायरेक्ट किया था आनंद एल राय ने। लेकिन अब अक्षय कुमार की ऐसी फिल्में रिलीज होने वाली हैं जो हिट और सुपर हिट हो सकती हैं और इस लिस्ट में नंबर 1 पे है राम सेतु। राम सेतु अक्षय कुमार की साल 2022 की लास्ट फिल्म होगी, मतलब इसके बाद सीधा अगले साल की दूसरी फिल्म आएगी। राम सेतु में अक्षय कुमार रिसर्चर बने हैं, रिसर्च करते हैं वो बाकी की चीजों पर और जो रामायण में बताया गया राम सेतु की सच्चाई जानने के लिए, मतलब कि वो सिर्फ कल्पना है या सच, उसे जानने की रिसर्च करते हैं। इस फिल्म के रिलीज डेट की बात करें तो 24 अक्टूबर को ये फिल्म रिलीज होने वाली है, मतलब की दिवाली के दिन। OMG 2 अगली फिल्म है। साल 2012 में परेश रावल और अक्षय कुमार की फिल्म आई थी OMG, जिसमें परेश रावल एक व्यापारी का रोल कर रहे थे और भूकंप में जब उनकी दुकान गिर जाती है तो सीधा भगवान पर केस कर देते हैं। ईश्वर की वास्तविकता में शक करने वाले परेश रावल को एंड में श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं, जिनका रोल अक्षय कुमार करते हैं। अब इसी फिल्म को सेकंड पार्ट OMG 2 जो कि अगले साल रिलीज होने वाली है। हालांकि इस बार अक्षय कुमार श्री कृष्णा के रोल में नजर नहीं आने वाले, बल्कि इस बार शिव जी के रोल में नजर आएंगे। देखना होगा कि फिल्म में कैसे तांडव करते हैं अक्षय कुमार शिव बनकर। वेल, आपको क्या लगता है कि फिल्म कैसी होने वाली है? अक्षय कुमार की नेक्स्ट फिल्म की बात करें तो वो है सेल्फी। अक्षय और इमरान हाशमी की फिल्म सेल्फी अगले साल 24 फरवरी के दिन रिलीज होगी। ये फिल्म एक मलयालम मूवी ड्राइविंग लाइसेंस की रीमेक है जो 2019 में रिलीज हुई थी। लेकिन दोस्तों, ये जो नाम आप सुन रहे हैं सेल्फी और ड्राइविंग लाइसेंस, सारी एक्चुअल कहानी फिल्म की यही है। फिल्म की कहानी में एक सुपरस्टार होता है जिसका ड्राइविंग लाइसेंस खो जाता है और वो चाहता है कि ड्राइविंग लाइसेंस मेरा बन जाए लेकिन बाकी किसी को पता ना चले। तो उसका केस एक अफसर के पास जाता है जो कि ऑलरेडी वो सुपरस्टार का बहुत बड़ा फैन होता है, हर फिल्म हर चीज उसकी देखता है और कॉपी करता है हूबहू। अब वो अफसर चाहता है कि वो उसके हेडक्वार्टर आए और मतलब कि मैं सेल्फी ले सकूं और अपनी फैमिली से मिला सकूं। लेकिन जैसे ही सुपरस्टार हेडक्वार्टर पहुंचता है वहां भीड़ लग जाती है, वहां बहुत सारे प्रेस वाले पहुंच जाते हैं और गलत गलत सवाल पूछते हैं जिसकी वजह से सुपरस्टार को गुस्सा आता है। और बाकी की कहानी आप लोगों ने अगर फिल्म नहीं देखी तो जाइए देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है। और अगर नहीं देखी तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, 24 फरवरी को सेल्फी रिलीज होने वाली है तो एक फ्रेश कंटेंट देखेंगे तो आप लोगों को ज्यादा फील होगा। नेक्स्ट फिल्म की बात करें तो वो है कैप्सूल गिल। भारत के कैप्सूल मैन जसवंत गिल की बायोग्राफी पर अक्षय कुमार काम कर रहे हैं, वो खुद जसवंत गिल का रोल करेंगे। जसवंत गिल के बारे में बता दूं कि ये जिस माइनिंग में काम कर रहे थे वहां अचानक धमाका होता है और कुछ लोग फंस जाते हैं, तो अपने बिना जान की परवाह किए वो वहां पर जाते हैं, लोगों को बचाते हैं, लेकिन एट द एंड क्या होता है, इनकी मौत हो जाती है। और इसी पर अक्षय कुमार एक फिल्म बनाने वाले हैं जिसका नाम है कैप्सूल गिल। ये फिल्म भी अगले साल रिलीज होगी बॉक्स ऑफिस पर और देखा जाए तो बहुत ही अलग और यूनिक कॉन्सेप्ट है। अक्षय को जसवंत गिल के रोल में देखकर मजा आने वाला है। नेक्स्ट फिल्म की बात करें तो वो है सोराराई पोटरू का रीमेक। नेशनल अवार्ड जीतने वाले सूर्या की फिल्म सोराराई पोटरू का रीमेक अक्षय कुमार बना रहे हैं। हालांकि इस फिल्म को हर मूवी लवर ने पहले ही देख लिया है, मगर अक्षय कुमार को पहले से ही बन चुकी फिल्मों को दोबारा बनाने में मजा आता है तो क्या कर सकते हैं। वेल, सोराराई पोटरू के बारे में बता दूं कि ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जो खुद की एयरलाइंस चालू करना चाहता था। वो चाहता था कि ट्रेन से भी ज्यादा सस्ती हमारी एयरलाइंस की टिकट हो ताकि हर कोई इसमें सफर कर सके, चाहे वो गरीब हो या फिर अमीर। दोस्तों, देखा जाए तो फिल्म की कहानी बहुत ही माइंड ब्लोइंग है और सूर्य के ऊपर से एक्टिंग लाजवाब फिल्म को बनाती है। अगर आप लोगों ने फिल्म नहीं देखी तो वेट कीजिए, अक्षय कुमार की फिल्म जरूर देखिए, लोगों को एक अलग मजा आने वाला है। वेल, तो ये है अक्षय कुमार की वो 5 फिल्में जो अगले साल और इस साल रिलीज होंगी, यानी कि 2022 और 2023 में। आप इनमें से किस फिल्म के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, देखते रहें बॉलीवुड स्टूडियोज़।